हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में फ्लैपी बर्ड गेम ऐप क्रिएट करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो की हेल्प से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे यहां से ओपन किया, ओपन करने के बाद यहां आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पे गेट रेडी टैप, तो इसका जो वॉल्यूम है थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ से इंक्रीज करेंगे, इसका जो आप देख सकते हैं इसमें वॉल्यूम भी आप यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से वॉल्यूम को भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग साउंड भी कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट यहाँ पे टैप पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे टैप पे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे जो है स्कोर स्टार्ट हो जाता है। फिर से हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, इसको ऐसे प्ले करते हैं। जैसे आप इसे प्ले करते हैं, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप प्ले कर सकते हैं। इसकी जो साइज़ है और जो इसमें आप देख सकते हैं ऐसे जितने स्कोर्स हैं वो सब बढ़ते जाएंगे। तो इसको आप प्ले पे डिपेंड करता है कि जितना कितना आप इसको स्कोर कर रहे हैं इस एप्लीकेशन में। तो इसमें आप इसको जो है इसकी स्पीड कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे वीडियो में। तो कैसे इसको क्रिएट करना है वो हम आपको क्रिएट करके बताते हैं। तो इसमें कैसे क्रिएट करना है वो सब हम आपको बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस एप्लीकेशन को हम क्रिएट करते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो की हेल्प से। तो यहाँ से अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद आप यहाँ से भी इमुलेटर से भी इसको ओपन करके रन करके देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को। तो हम इसको यहाँ से ओपन करके दिखा देते हैं आपको। तो मैंने इसको यहाँ से रन कराया हुआ है इमुलेटर में और यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से भी शो हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर टैप पर क्लिक करेंगे वैसे ये जो एप्लीकेशन है, ये जो हमारा गेम ऐप है, यहाँ से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं और इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे कट होने के बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इसको हम एंड्रॉइड स्टूडियो की हेल्प से क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं, इस लेवल को कम्प्लीट करना होता है। तो ये सब इसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसको पहले हम यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद इस एप्लीकेशन को हम स्टार्टिंग से क्रिएट करना आपको बताते हैं। सबसे पहले इस यहाँ पे जो एंड्रॉइड स्टूडियो इसको हम कट कर देते हैं और करने के बाद इसका जो सोर्स कोड है आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसका सोर्स कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे इसका एक जिप फॉर्मेट है, तो ये जिप फॉर्मेट में इसका सोर्स कोड आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जस्ट सोर्स कोड पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देना है। करने के बाद जस्ट यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड आपको पूछेगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली एक पासवर्ड इंटर कर देना है। ठीक है, तो पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे जो फाइल होगा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ओके पे क्लिक करने के बाद। तो जैसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इतना सारा जो कोड है यहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाता है। फिर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट यहाँ पे ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। जहाँ पर भी आपने सोर्स कोड को रखा हुआ है यहाँ पर उसका पाथ आपको यहाँ पर ले लेना है। तो मैंने अपने ई ड्राइव में रखा हुआ है, तो ई ड्राइव से इसका जो पाथ है वो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा ये जो है फ्लॉपी बर्ड। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप का जो आइकन के साथ ओपन हो जाता है। और उसके बाद से जस्ट यहाँ से ओके पे क्लिक करने से पहले आपको नेट को ऑन कर दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ टाइम का या फिर कुछ सेकंड कुछ मिनट भी लग सकता है। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा जब तक ये जो फाइल है यहाँ पर इम्पोर्ट ना हो जाए। तो नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, अगर नेट की स्पीड फास्ट आती है तो बहुत जल्दी से यहाँ से इम्पोर्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ से इसको इम्पोर्ट हो गया। ठीक है, सक्सेसफुली यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको रिजॉल्व करेंगे तो इसे इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे ग्रेडल स्क्रिप्ट में और यहाँ पे लिखा है बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल ऐप। ठीक है, इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ से मैंने कट किया, फिर से एक बार और उसको ओपन करते हैं। आपको जाना है ग्रेडल स्क्रिप्ट में, बिल्ड डॉट ग्रेडल में आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका बिल्ड कंपाइल एसडीके वर्जन है वो 29 है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है मिनिमम एसडीके वर्जन मैंने 19 लिया हुआ है, टारगेट एसडीके वर्जन 29। तो दोनों एसडीके का जो वर्जन होता है यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। करने के बाद बाकी जो यहाँ पे डिपेंडेंसी है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सारी डिपेंडेंसी को एक बार इसको चेक कर लेना है कि कोई एरर तो नहीं है कहीं पर। तो ऐसे आपको इसको चेक कर लेना है। ठीक है, तो मेरे में कहीं पर भी कोई एरर नहीं है। और इसके बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं, बाकी जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाली फाइल है तो इसको भी यहाँ से हम देख लेते हैं। फिर यहाँ पे जो जावा वाली फाइल है, जावा वाली फाइल को इसको ओपन कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। तो यहाँ पे आपको इसको चेक कर लेना है और इसके बाद से जो दूसरे वाले जावा वाली फाइल है इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर जो दूसरी वाली फाइल है इसे बिल डॉट को हम कॉन्फिग सबको यहाँ पर एक्सपेंड कर लेते हैं। और करने से पहले यहाँ पर एक बार रन करके एक बार रन कर देते हैं जिससे कि नीचे जो है इसको प्रोसेसिंग होता जाएगा।
इसको हम रन करके एक बार चेक कर लेंगे। जैसे ही प्रोजेक्ट को हम इंपोर्ट करते हैं उसके बाद इसको रन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को रन करके एक बार चेक कर लेंगे। और बाकी जो एसेट में सारी हैं, सारी एसेट में इमेजेज रखा हुआ है, तो आप इसको एसेट में भी रख सकते हैं और यहाँ पे आप ड्रॉएबल में भी रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एसेट में रखा हुआ है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही रहने देना है। अगर उसकी जगह पर कोई और इमेज ऐड करना चाहते हैं तो उसी लोकेशन पर आप कोई और इमेज ऐड कर सकते हैं, और जो नेम से आप ऐड करेंगे आपका सेम ही नेम रहना चाहिए। इसके बाद से आपको यहाँ पे आरईएस में आ जाना है, ड्रॉएबल फोल्डर। ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आइकन कुछ इस टाइप के दिए हुए हैं, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। और करने के बाद आपको नीचे आना है वैल्यूज में, वैल्यूज में स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में यहाँ पे जो एप्लीकेशन का नेम है, एप्लीकेशन का नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मेरा इमोलेटर यहाँ से भी ओपन हो रहा है, मेरा पिछला वाला जो था वही ओपन हुआ है, तो अभी यहाँ पे नीचे प्रोसेसिंग चल रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा सक्सेस ऑपरेशन सक्सीड हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ पे कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग यहाँ से हो जाता है। ठीक है, हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरा जो एप्लीकेशन है जो अभी प्रेजेंट मैंने इंपोर्ट किया यहाँ से ओपन हो जाता है। ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पे जस्ट टाइप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है, गेट रेडी। ऊपर एक बर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, नीचे एक थंब बना हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे टाइप पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जो एप्लीकेशन है इसे प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसको हम प्ले कर लेते हैं, तो जस्ट यहाँ पे टैप पे क्लिक कर देंगे और करने के बाद इसको हम देख सकते हैं यहाँ से प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल करना वो हम आपको बताएंगे। तो पहले आप यहाँ से देख प्ले करके इसको चेक कर लीजिए। तो यहाँ से जो गेम है यहाँ से ओवर हो जाता है अगर उस पर कट हो जाता है तो अगर इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले करते हैं तो इसमें काफ़ी सही रहता है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी फास्ट चल रहा है और मोबाइल फ़ोन में अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे से खेल लेते हैं। तो इस तरह से फ्लॉपी बर्ड गेम आप यहां से क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो एप्लीकेशन है बहुत ही प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसका एपीके भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, अगर इसका एपीके आप अपने मोबाइल फ़ोन में रन करके चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली चेक भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली इस एप्लीकेशन को क्रिएट कीजिए और अपने अकॉर्डिंग इसको हम डिज़ाइन करके आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन में रन करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम कोर वाला पार्ट ओपन करेंगे और इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सारे जितने भी कोडिंग हैं जावा की कोडिंग इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं और उसके बाद से जितने भी इमेजेज हैं सारी इमेजेज आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड किया हुआ है और यहाँ पे कुछ MP3 में कुछ म्यूजिक दिए हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था, जब भी आप इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पे म्यूजिक शो होता है, स्टॉप होता है तभी एक म्यूजिक शो होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फ्लैप प्ले का जो यहाँ पे स्पीड है, आप यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लैप डॉट प्ले है और यहाँ पे वॉल्यूम 0.2F एंड वेलोसिटी -318 दिया हुआ है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। उसके बाद से जस्ट यहाँ पे कुछ भी चेंज करने के बाद यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देते हैं तो प्रोजेक्ट यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो जो जितना भी सिंक्रोनाइजेशन होता है सबको नेट की स्पीड से होता है, तो इसको हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। सिंक्रोनाइज करने के बाद एक बार और इसको प्ले करके आपको चेक कर लेना है इसकी स्पीड जो है, स्पीड अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करने के बाद यहाँ से आप इसको प्ले कर लेंगे और बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो एप्लीकेशन है यहाँ से प्ले हो जाता है अगर कुछ भी चेंजिंग आप करते हैं तो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पब्लिक वायर डिस्पोज यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है फ्लैप डॉट प्ले और वेलोसिटी, इसमें कितना डिले करना है डिले भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं कोडिंग पार्ट से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्ले करेंगे और ऊपर जो है स्कोर शो होगा, जितना भी आप यहाँ पे इंटर करके आप पास करेंगे उतना स्कोर आपका बढ़ता जाएगा और यहाँ पे जो है उसके बाद अगर कहीं पे भी क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पे गेम ओवर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद से इसको आप यहाँ से देख लेंगे। करने के बाद आपको जाना है सिंपली ट्यूब में और यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा कोडिंग, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको आ जाना है स्टेट्स में और यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं तो स्टेट्स में जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पे PNG फॉर्मेट में कुछ इमेजेज हैं, स्कोर फॉर्मेट में जितने भी स्कोर्स होंगे तो स्कोर के फॉर्मेट में सारे इमेजेज यहाँ पे ऐड किए हुए हैं जो कि एसेट वाले फोल्डर में रखे हुए हैं सारे इमेजेज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको डिवाइड किया गया है, हाइट को कैसे यहाँ पे मेजर कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फॉर्मूले के टाइप में।
तो उसी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन वर्क करता है। और यहाँ पे प्ले स्टेट, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो मेनली जितने भी गेम्स होते हैं वो यूनिटी से बनते हैं, तो यूनिटी पे अभी हमने ज़्यादा वर्क नहीं किया है। तो यूनिटी को अगर आप सीखना चाहते हैं, उसमें गेम डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे अच्छे गेम डेवलप किए जाते हैं, तो आप उसको भी सीख सकते हैं। तो अभी हम बस यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से यहाँ पे कुछ गेम आपको क्रिएट करके आपको बताते हैं, जिससे कि आपको अभी एंड्रॉयड स्टूडियो में थोड़ा सा आप सीख लेंगे, उसके बाद से आप यूनिटी में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यूनिटी में काफ़ी हाई लेवल का जो गेम होता है क्रिएट किया जाता है। तो यूनिटी आप इसको सिंपली यूट्यूब से या फिर गूगल से भी रीड करके आप इसे देख सकते हैं। तो उसको अभी छोड़िए, बाकी जो अभी इसे इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। आप इस एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप भी क्रिएट करके, सारे स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करके भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस गेम को स्टेप बाय स्टेप बनाना है, तो हम आपको सारे जो गेम है आपको स्टेप बाय स्टेप करके भी बता देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट है, तो ग्रेडल स्क्रिप्ट में आपको कुछ नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी डिपेंडेंसी होती है सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड किए रहते हैं। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे HTML वाला पार्ट है, तो इसको भी यहाँ से आप उसको ओपन करके आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ चेंजिंग नहीं करना है, जैसा है आपको इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे कुछ रेड आ रहा है ऊपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक में अभी एरर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद से ग्रेडल स्क्रिप्ट में बाकी जो कोडिंग है, तो यहाँ पे उसको भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने देख लिया। और उसके बाद से आपको आ जाना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाली फाइल में। और नेक्स्ट स्टेप से इसका जो ऐप का लोगो है, तो यहाँ से हम एप्लीकेशन का लोगो चेंज करना आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली ड्रॉवर फोल्डर के अंदर एक इमेज हमें रखना होगा लोगो नेम से या फिर किसी भी नेम से, इसकी जो साइज होगी 512x512 होगी। तो हम आपको पहले करके इसको दिखा देते हैं कि हम लोगों को कैसे सेट करते हैं एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, या फिर अगर आपने खुद का कोई लोगो बनाया हुआ है तो आप लोगो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो हम आपको जैसे डेमो के लिए यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे हम पे सर्च करते हैं फ्लैपी बर्ड गेम या फ्लॉपी बर्ड गेम, जो भी आप कहना चाहें। इसके बाद से जस्ट यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम एक इमेज या फिर यहाँ पे एक लोगो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फ्लॉपी बर्ड के लिए। तो यहाँ पे हम एक इमेज को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कोई भी इमेज आप ले सकते हैं, आप अपना खुद का क्रिएट कीजिए तो काफ़ी बेटर रहता है, जिससे कि आपका अपना खुद का लगता है। तो हम इस इमेज को ले लेते हैं, या फिर कोई भी इमेज आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लोगो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, हम इस वाले को ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद जस्ट इस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो हम मैंने इस पर किया राइट क्लिक किया, सेव एज पे क्लिक कर देंगे और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दूसरा यहाँ पे आता है मेथड, कि यहाँ पे आपको जो इसकी साइज़ है आपको रीसाइज करनी होगी, या फिर इसको कम या ज़्यादा जितना भी करना चाहते हैं। तो सिंपली आपको पेंट को ओपन कर लेना है, पेंट सभी के लैपटॉप में अवेलेबल रहता है। फिर यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं, पेस्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद से जहाँ पे भी आपने इस इमेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो उसको आपको यहाँ से ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली डाउनलोड्स फोल्डर में रखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। डाउनलोड्स फोल्डर में मेरा है इमेज, ओपन पे क्लिक कर देते हैं। तो देख सकते हैं मेरा इमेज कुछ इस टाइप का है। तो इसको मुझे क्रॉप करना है, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे यहाँ तक इसको क्रॉप कर देंगे। क्रॉप किया और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर देते, थोड़ा सा और इसको क्रॉपिंग कर देते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लीजिए, जस्ट यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से क्रॉप हो गया। इसके बाद से रिसाइज पे क्लिक कर देते हैं, इसको अनचेक कर देंगे और यहाँ पे पिक्सल पे चेक कर यहाँ पे टिक कर देते हैं। इसकी जो हाइट है विड्थ है जो आप जस्ट यहाँ पे कर देते हैं 512x512 हाइट एंड विड्थ, ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उन दोनों को अनचेक कर देना है। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का लोगो है, तो मेरा कुछ बड़ा है, थोड़ा सा और इसको क्रॉपिंग कर देते हैं। जस्ट इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज परफेक्ट, क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इस पर क्रॉप पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद से फिर से आपको वही प्रोसेस करना है, रिसाइज कर देना है इसका साइज, इसका जो हाइट एंड विड्थ है जिसका हम कर देते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 512x512, ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे साइज रिसाइज हो जाएगा। सेव एज पे क्लिक कर देंगे, जिस भी नेम से आप सेव करना चाहते हैं, मैंने कर दिया लोगो .png, जस्ट सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जहाँ पे भी लोकेशन आप देना चाहते हैं इसको सेव करके यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने पिक्चर्स के अंदर अपना जो है सारी इमेजेज यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं और ये जो इमेजेज यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद से आपको सिंपली दिस पीसी को ओपन कर लेना है। तो मैंने इसको पिक्चर्स के अंदर रखा हुआ था, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस इमेज को,
कॉपी करने के बाद इसको हम अपने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, और आने के बाद इसको अपने ड्रॉबल फोल्डर के अंदर जस्ट इस इमेज को पेस्ट कर देते हैं सिंपली, तो आपको कुछ और नहीं करने की ज़रूरत है। तो आपको सिंपली यहाँ पे ड्रॉबल फोल्डर के अंदर आ जाना है। ड्रॉबल फोल्डर के अंदर आने के बाद इसको हम इस इमेज को हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे इसे पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया, और करने के बाद जस्ट यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। और जो अगर यहाँ से नेम चेंज करना चाहते हैं तो आपको नेम चेंज भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लोगो डॉट पीएनजी यहाँ से सेट हो गया। और इसके बाद जैसे यहाँ पे सेट हो जाएगा, उसके बाद से आपको आ जाना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाली फाइल में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड आइकन, और इसके पास का जो बीच वाला पार्ट है इसको आपको सिंपली रिमूव कर देना है। फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है लोगो। लोगो करने के बाद आपको आ जाएगा ड्राइवर फोल्डर अंदर लोगो नेम से। तो यहाँ पे जो आपका लोगो है, लोगो सेट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से लोगो सेट हो जाएगा। उसके बाद से जो एप्लीकेशन का नेम मैंने आपको चेंज करना बता दिया, लोगो चेंज करना बता दिया। और करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे सिंकनाओ पे क्लिक कर देना है। क्रॉप पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होगा सिंकोनाइज हो जाएगा। तो हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं कि जो इसका लोगो है, लोगो चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो आपको सिंपली ये क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को जस्ट रन पे क्लिक कर देना है। तो इसका लोगो हम यहाँ से दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे रन हुआ मेरा प्रोजेक्ट, और रन होने के बाद आप देख सकते हैं सक्सेस ऑपरेशन सक्सेस हो गया। उसके बाद ओपन हो जाएगा, इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे टैप पे करते हैं तो यहाँ से प्ले हो जाता है। तो आपको लोगो यहाँ से नहीं दिखता है, आपको सिंपली जो है सब कुछ यहाँ पे आपको कट कर देना है। और कट करने के बाद स्टार्टिंग में जो होता है, स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको लोगो शो होता है, तो इसको हम बैक कर देते हैं और सब कुछ इसको हम यहाँ पे स्टार्टिंग से इसे कट कर देते हैं, ठीक है। तो इन सबको कट कर दिया, कट करने के बाद जस्ट यहाँ इसको ऊपर करेंगे, और आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे जो है फ्लॉपी बर्ड, यहाँ पे इसको जो ऐप का नेम है, ऐप का नेम यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे जो इसका लोगो मैंने जस्ट जो लगाया था वो लोगो यहाँ से शो हो रहा है। इसको जस्ट यहाँ पे वेट पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम यूआई, मतलब जो सिस्टम है, सिस्टम थोड़ा सा वो हो गया है, हैंग कर गया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सिंपली इसको क्लिक कर देना है, और इसको आप जहाँ पे भी रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर इसको मेन वाले पार्ट पे, लाइक यहाँ पे डेस्कटॉप आपका है, मेन पार्ट यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। फिर स्क्रॉल करके जहाँ पे भी इसको डालना चाहते हैं सिंपल इसको डाल सकते हैं। और या फिर यहाँ पे अनइंस्टॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इसे एप्लीकेशन को अपने एमुलेटर से अनइंस्टॉल करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे अनइंस्टॉल हो जाएगा। फिर यहाँ से ओपन करते हैं, तो यहाँ से जो एप्लीकेशन है हमारा, जो फ्लॉपी बर्ड गेम ऐप है, यहाँ से ओपन हो जाता है और यहाँ से इसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे प्रोसेस है, आप इसको बहुत ईजी तरीके से इसे कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को हम यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे दूसरा काम है, इसको जो है पहले हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, बाकी सारा जो मैंने एक्सपेंड किया था। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें जो पैकेज का नेम होता है कैसे चेंज करते हैं। तो सिंपली आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है रिफ्लेक्टर पर। रिफ्लेक्टर पर जाने के बाद जस्ट यहाँ पर रीनेम पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आपको आना है रीनेम करेंट या फिर रीनेम ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए, सभी को यहाँ पे रीनेम हो जाएगा। और जो पैकेज का नेम आप यहाँ से लिखना चाहते हैं सिंपली इस पैकेज का नेम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे आपको यूनिक पैकेज का नेम इंटर करना होता है, तो यहाँ पे पैकेज का नेम इंटर कर दीजिए। और जैसे यहाँ पे इंटर कर दिया, उसके बाद से इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, जो मैंने पैकेज का नेम यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पे रिफ्लेक्टर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो पैकेज का नेम होगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे पैकेज का नेम चेंज हो जाता है, और इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रेड हो गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेड इसलिए हुआ है क्योंकि जो मैंने पैकेज का नेम चेंज किया है यहाँ से अभी चेंज नहीं हुआ है। तो जो मैंने पैकेज का नेम कॉपी किया था, अपने नोट पैड में आ जाते हैं और यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर लिया, और पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर लिख देते हैं, तो कहीं पर भी इसको ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको यहाँ पे नोट पैड में पेस्ट कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाली फाइल, या फिर यहाँ पे भी आप देख कर सकते हैं, लाइक जावा कॉम है तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप इसे नहीं कर सकते, तो आपको सिंपली यहीं पर करना होगा। इसके बाद से सिंपली आपको आ जाना है ग्रेडर स्क्रिप्ट वाले पार्ट में, और आने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन की आईडी है, तो एप्लीकेशन की आईडी के पास आएंगे। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पे आपको कहा जाना है ग्रेडल स्क्रिप्ट वाले पार्ट में, बिल्ड डॉट ग्रेडल में आएंगे, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन की आईडी है, तो एप्लीकेशन की आईडी को हमें यहाँ पे चेंज करना होता है, जो हमारा सेकेंड वाला है, सेकेंड में आएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एप्लीकेशन आईडी, तो
एप्लीकेशन की आईडी जो यहाँ पे आपने चेंज किया है तो उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उसके बाद से आपको यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देना है और इस प्रोजेक्ट को सिंक्रोनाइज कर लेना है। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो गया। बाकी सारा जो है स्टेप्स उसको भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो नीचे कुछ नहीं चेंज करना है, ऐसे इसको आपको देख लेना है। और उसके बाद से आपको आ जाना है यहाँ पे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, मैनिफेस्ट वाली फाइल में जाते हैं और यहाँ पे जो है तो इसको जो है इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। कॉम के बाद वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो मैंने चेंज किया था उसको इतना ही रहने देंगे, इतना रिमूव कर देंगे। तो जैसे इसको आप यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो एरर्स था, एरर यह मेरा रिमूव हो चुका है। और होने के बाद इसको हम बाकी जो पार्ट है एसेट वाले पार्ट, एसेट वाले पार्ट में बस जो इमेजेस हैं सारी इमेजेस यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको आ जाना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाली फाइल में, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट में पैकेज लिखा है, पैकेज इक्वल टू, यहाँ पे आपको इसको चेंज कर देना है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके जो पैकेज के नेम आपने वहाँ पे चेंज किया था इसको आपको इंटर कर देना है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे चेंज हो गया और होने के बाद जस्ट यहाँ पे सिंक नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जस्ट यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देते हैं तो जो प्रोजेक्ट होता है यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइज हो गया। मैंने आपको इस पर बताया एप्लीकेशन का नेम कैसे चेंज करते हैं, लोगो कैसे चेंज करते हैं और इसमें जो है पैकेज का नेम कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद इस एप्लीकेशन को एक बार हम फिर से रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं। तो मेरा इमुलेटर यहाँ से ओपन हो रहा है, उसके बाद से जस्ट यहाँ से ओपन हो जाता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। इस पर जस्ट यहाँ पे प्ले टैब पे क्लिक करते हैं और इसको हम ओपन करते हैं। तो इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं फिर से ओपन हो जाता है और इसके बाद से इसको प्ले कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये एप्लीकेशन हमारा वर्क कर रहा है, सब कुछ चेंज करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर वीडियो को फिर से पॉज करके भी वीडियो को फिर से देख सकते हैं कि कैसे इसमें चेंजिंग करना है और कैसे कैसे इसको एडिट करते हैं, वो सारी प्रोसेस आप इसको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद से बिल्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बिल्ड एपीके जनरेट करने के लिए जस्ट यहाँ पे बिल्ड एपीके पे क्लिक कर देंगे। इस एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल फ़ोन में रन करके भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको सिंपली बिल्ड एपीके की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको बिल्ड एपीके जनरेट कर लेना है। तो देख सकते हैं कुछ सेकंड के बाद बिल्ड एपीके जनरेट हो जाता है, नीचे वाला इसको रिमूव कर देंगे पहले से हैं। तो यहाँ से इसको रिमूव कर लेना है। इसके बाद से आप देख सकते हैं जो अभी न्यू एपीके जो है यहाँ पे जनरेट हो चुका है और यहाँ पे जिस इसका नेम चेंज करना चाहते हैं एपीके का, तो एपीके का नेम आपको यहाँ पे चेंज कर देना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लैपी डिस फ्लैपी बर्ड गेम। यहाँ पे जो भी नेम देना चाहते हैं आप यहाँ से नेम जो है दे सकते हैं। इसके बाद इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फ़ोन में ले लीजिए और इसको सिंपली रन करके आप इसको चेक कर सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को कैसे शो हो रहा है और कैसे दिख रहा है, इसमें कैसे प्ले करते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से मोबाइल फ़ोन में जो है प्ले होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से इस एप्लीकेशन को क्रिएट कर लीजिए। वीडियो यूजफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।